हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर FBH में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये दूसरी वीडियो है इस सीरीज की, बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। जो हमने सीरीज बनाई है उसका आज जो वीडियो है दूसरा वीडियो है ये। तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में और यूनिट वेट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड, हमने स्टैंडर्ड कन्वर्शन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। आप जो है वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो लिंक जो है इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आ जाते हैं आज का जो हमने फोर्थ डिस्कस करना है। फोर्थ जो आपको याद रखनी है चीज, वो होता है क्लियर कवर फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स। जो हमारे पास डिफरेंट आरसीसी मेंबर्स होते हैं, आरसीसी होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन है, या फुटिंग भी इसको हम कहते हैं, राफ्ट फाउंडेशन है, स्ट्रैप बीम जो है, और बीम है हमारे पास, कॉलम है, फ्लैट स्लैब है, और स्लैब जो वन वे और टू वे स्लैब होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स है हमारे पास। तो हमें क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करना होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर कवर क्या होता है? अगर हमारे पास ये फाउंडेशन है, इसमें हम ये वाला रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं नीचे, तो ये कितनी दूरी पे होना चाहिए कंक्रीट, एंड ऑफ कंक्रीट से कितनी दूरी पे होना चाहिए, इसको हम कहते हैं क्लियर कवर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट कितना अंदर लगाते हैं, कॉन्क्रीट के कितना अंदर लगाते हैं ताकि उसको जो है करोजन हो सके, उसको कहते हैं क्लियर कवर। तो फाउंडेशन के लिए जो है फाउंडेशन यूज करते हैं, उसके लिए 75 mm का कवर प्रोवाइड किया जाता है। जो राफ्ट फाउंडेशन होती है, राफ्ट फाउंडेशन आपको पता ही होना चाहिए कि जो हम एक कंक्रीट मेंबर के कंक्रीट अगर स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसके नीचे हम पूरा नीचे एक ही जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं राफ्ट फाउंडेशन। तो राफ्ट फाउंडेशन टॉप में जो होना चाहिए, टॉप में उसका मतलब कि ऊपर से जो रीइंफोर्समेंट लगाएंगे, ये अगर राफ्ट फाउंडेशन एक है, ऊपर से जो कवर प्रोवाइड करना है वो 50 mm का कवर प्रोवाइड करना है, और बॉटम से 75 mm का प्रोवाइड करना है, और जो साइड से अगर ये रीइंफोर्समेंट है तो साइड से जो है हमारे पास वहां पर भी 75 mm का कवर प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रैप बीम होता है। स्ट्रैप बीम क्या होता है? स्ट्रैप बीम जब हम फुटिंग दो बनाते हैं, ये एक फुटिंग है और ये दूसरी फुटिंग है, इन दो फुटिंग्स को हम बीम से ज्वाइन करते हैं, इस बीम को कहते हैं स्ट्रैप बीम। तो स्ट्रैप बीम जो है उसके लिए जो है क्लियर कवर हमें 50 mm का प्रोवाइड करना होता है। और जो हमारे पास बीम होता है, बीम तो आपको पता ही होगा, बीम के लिए हम 25 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, कॉलम के लिए 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, फ्लैट स्लैब के लिए 20 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, और स्लैब के लिए 15 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पास जो स्टेयर केस होती है, उसके लिए भी हम 15 mm का कवर ही प्रोवाइड करते हैं, स्टेयर केस और स्लैब में 15 mm का कवर ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, यह था क्लियर कवर फॉर डिफरेंट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट मेंबर्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप साइट पे काम करने जाओगे, ये चीजें जो है आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, तभी आप जो है काम कर पाएंगे जब आप साइट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ स्टील पर मीटर। यूनिट वेट ऑफ स्टील पर मीटर आपको पता होना चाहिए। अगर आप जनरली याद रखोगे तो जनरली हमारे पास जो है फार्मूला इसके लिए होता है डी स्क्वायर बाय 162.2। ये होता है, डी इज द डायमीटर ऑफ द बार एंड 162.2 एक वैल्यू होती है। तो इससे हमारे पास यूनिट वेट निकल के आ जाता है केजी पर मीटर में। तो हमारे पास जो है डिफरेंट डायमीटर के सरिये होते हैं, हमारे पास 6 mm का सरिया होता है, 8 mm का सरिया होता है, 10 mm का होता है, 12 mm का होता है, 16 mm का होता है, 20 mm का होता है, 25 mm का होता है। ये हमारे पास डिफरेंट सरिये होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए कि इन ही डायमेंशन के हमारे पास सरिये अवेलेबल होते हैं। जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट होता है, यही इन्हीं डायमेंशन के हमारे पास होते हैं, 36 mm के होते हैं, ऐसे ही आगे भी होते हैं, 50 mm का होता है। तो फिलहाल हमने यहां तक लिया हुआ है। तो 6 6 mm के लिए हमें क्या करना है, इस फार्मूले में 6
स्क्वेयर करना है, 6² / 162.2, तो ये हमारे पास 0.222 kg/m आ जाता है। 8 mm के लिए 0.395 kg/m, मतलब कि 8 mm के लिए यहाँ पर इस फार्मूले में लगाएंगे 8² / 162.2, तो वो आ जाता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास 1 m 6 mm का सरिया होगा उसका वेट कितना होगा, 0.222 kg। ऐसे ही 8 mm वाले सरिये 1 m का वेट होगा 0.395 kg। ऐसे ही 10 mm के लिए 10² / 162.2 करेंगे तो 0.616 kg/m आ जाता है। तो यहां पर मतलब हुआ कि 1 m 10 mm सरिये का वेट होगा, अगर हम 1 m वाला सरिया लेंगे तो उसका वेट होगा 0.616 kg। ऐसे ही 12 के लिए 0.888 kg/m, ऐसे ही 16 mm के लिए 1.578 kg/m, 20 mm के लिए 2.446 kg/m, और 25 के लिए 1 m का वेट होगा 3.853 kg। तो ये है डिफरेंट डायमीटर ऑफ स्टील्स के लिए 1 m में कितना वेट आ जाता है। जब आपको ये पता होगा तभी आप जो है रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मेंबर में। तो आपको ये जो चीजें हैं ये जरूरी याद होनी चाहिए जब भी आप साइट पे काम करने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास वो है बेसिक एरिया यूनिट्स। एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो भी सर्वेयर होता है या कोई भी जो कंस्ट्रक्शन में काम करता है उसके लिए जो है एरिया यूनिट्स डेफिनेटली उसको पता होनी चाहिए। तो एक कनाल जो होता है वो 20 मरलाज के इक्वल होता है, एक मरला जो होता है वो 272.24 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है, एक मरला 272.24 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है, एक कनाल जो होता है वो 502 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, एक मरला जो है वो 25.10 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, एक हेक्टेयर जो है वो 1000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, और एक एकड़ जो होता है वो 43560 स्क्वायर फीट के इक्वल होता है। तो जब आपको ये डायमेंशन पता होंगे तो आप इजिली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको कनाल में दिया तो मर्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FPH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ एक बात याद रखना कि जो आने वाली वीडियोज है उसमें और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आप वो वाली वीडियोज भी जरूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।